प्रमोटर जू के तू है और पब्लिक अपनी होल्डिंग को इसके अंदर से कम कर रहे हैं। तो ये वो शेयर हैं जो आने वाले सालों में डबल भी हो जाएंगे, तो ये कुछ औचित्य नहीं होगा कि सर ये क्यों हो गया पूछने की। नहीं कि जो शेयर पहले 300 में था आज वो 200 में नहीं आएगा, जो आज 262 में है वो आगे 300 में नहीं जाएगा, एक सर्कल चल रहा है। इसी कहा है मैंने कहा ना कि प्रॉफिट आपका अपना है, उस प्रॉफिट से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर मुझे कुछ मिलेगा तो फिर मैं बताऊं भी आपको कहाँ प्रॉफिट लेना है, कहाँ निकलना है। कि एक सहायक कंपनी है सर, ध्यान रखना, जो इनकी सहायक कंपनी है वो पूर्णतया लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में लगी हुई है। वो कौन सी कंपनी है? वो है क्या ये जो मांग में डिमांड नहीं बढ़ रही है इसके कारण हमारा देश क्या एक्सपोर्ट में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होनेगा। ध्यान रखना सर, पाउंड जो एक सुविधा दे रहा है शेयरों को खरीदने बेचने की, वो सुविधा दे रहा है, वो गारंटी नहीं दे रहा है कि आपको शेयर खरीदते ही प्रॉफिट होगा, शेयर को बेचते ही आपको प्रॉफिट होगा। बंदा बता दे कि बहुत बड़ा ना एक खेत है, उसने ये बताया कि बहुत बड़ा एक खेत है, इसके अंदर ना एक ना सोने की अंगूठी मैंने फेंक दी है, लेकिन वो उसी खेत में है। तो अब आपको इतनी सारी कहानी मैंने आपको क्यों बता दी? कुछ तो मकसद होगा ना इसका कि मैं आपको ये कहानियां बता रहा हूं। जी ये माल कम चला गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? ध्यान से सुनना सर, दिल्ली जा रही है तो टिकट तो आपको लेना पड़ेगा कि रास्ते में मुजफ्फरनगर भी आ सकता है, मेरठ भी आ सकता है। अब ट्रेन तो दिल्ली जा रही है, अब ट्रेन तो नहीं कहेगी आपको कि आपको दिल्ली चलना है, ये तो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर एग्जाइट बैटरी की, बात करेंगे ट्राइडेंट, बात करेंगे अलोक इंडस्ट्री और बात करेंगे सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हम सोचते हैं कि हमें कुछ कोई सिखा दे, फिर सिखाने के बाद वो जिम्मेदारी ले ले कि भाई कहीं ना कहीं से वो पैसा कमाकर हमें शेयर मार्केट से देगा, तो ये विचार हमें बिल्कुल त्यागने होंगे। हमें जो भी अपने द्वारा शेयर मार्केट में करना है वो खुद ब खुद करना है सर, हम दूसरों से सीख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये निरंतर वो चीज़ है जहाँ दूसरों के पैसे लगे रहते हैं और किसकी कितनी क्षमता उस लॉस को झेलने की है। ये जो भी चीज़ें होती है लोग अपनी क्षमता के अनुसार वो वर्क करते हैं कि कोई कितना दुख झेल सकता है, कोई कितना दुख झेल सकता है, ये सबके अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि मुसीबत से लड़ने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। यहाँ पर धैर्य सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, ध्यान रखना, कोई ट्रेन जो है दिल्ली जा रही है तो टिकट तो आपको लेना पड़ेगा कि रास्ते में मुजफ्फरनगर भी आ सकता है, मेरठ भी आ सकता है। अब ट्रेन तो दिल्ली जा रही है, अब ट्रेन तो नहीं कहेगी आपको कि आपको दिल्ली चलना है, ये तो डिसाइड आपको करना है ना कि आपको उस रास्ते के बीच में कहाँ पर जाना है। इसी तरीके से जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो मास्टर की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाने की है, उसके बाद हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है कि हम उसे पढ़ के हम क्या हासिल कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जहाँ हम एक सपना अच्छे वाला देख रहे हैं, पर वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर आपको वर्क करने के बाद ही आएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितने भी लोग इसके अंदर सफल हो रहे हैं सब अपनी धैर्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं सर। मैं आपको बता दूँ, डीमैट अकाउंट जो एक सुविधा दे रहा है शेयरों को खरीदने बेचने की, वो सुविधा दे रहा है, वो गारंटी नहीं दे रहा है कि आपको शेयर खरीदते ही प्रॉफिट होगा, शेयर को बेचते ही आपको प्रॉफिट होगा, लॉस आप लेने की नहीं, गारंटी कोई नहीं है यहाँ। तो इस गारंटी के हिसाब से इस सोच के साथ आइए कि पैसा यहाँ पर हम बनाएं कैसे, कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक सर। मैं क्यों आज ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी लोग मुझे जो कमेंट कर देते हैं सर प्रॉफिट कहाँ लें, मैंने कहा ना कि प्रॉफिट आपका अपना है, उस प्रॉफिट से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर मुझे कुछ मिलेगा तो फिर मैं बताऊं भी आपको कहाँ प्रॉफिट लेना है, कहाँ निकलना है। फिलहाल मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं उस प्रॉफिट से कुछ अपने कमाने की स्थिति को देखूं। आपको खुद समझना है कि आप उस प्रॉफिट को कहाँ तक के संभालना चाहते हैं, और ये तो संभव है कि अगर लोन के लिए किसी प्रॉफिट को संभाला वो तो कई गुना हो जाएगा, लेकिन ये भी संभव है कि अगर उस प्रॉफिट में से कुछ ना लिया जाए तो वो कम भी हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें मैंने आपको बताई है कि मैं यहाँ पर आपके अंदर वो चीज़ डेवलप कर रहा हूँ जो कोई से चैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ सर, मैं कोई यहाँ स्क्रीनशॉट लगाकर आपको एक चीज़ें समझा रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं।
मैं आपको ऐसी साइकोलॉजी डेवलप कर रहा हूं कि अगर आपने इसके ऊपर एक साल तक वर्क करा, आपकी माइंड खुलेंगे और आपकी सोचने की वृद्धि बढ़ जाएगी। यानी कि अगर किसी कपड़ा व्यापार में कुछ अच्छी न्यूज आई और वो शेयर आपके पास है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि वो शेयर बढ़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी नीतियां जो चीज़ें हो रही हैं वो कपड़ा व्यापार में कुछ अच्छा करके जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि क्या चीज़ें मार्केट में हो रही है, किस चीज़ों का क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए बनाता हूँ सर। ये आपको खुद ब खुद उन विचारों को समझना है, क्योंकि मेरी जो वीडियो है ना सर, ये समझने वाली है। अगर आपने ऐसी दृष्टि बनाई कि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं कि हमें शेयरों को खरीद कर प्रॉफिट, शेयरों को बेच कर प्रॉफिट आएगा, बल्कि ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है, बल्कि आपको शेयरों को लेते कैसे हैं, शेयरों में धैर्य कैसे देते हैं, शेयरों में कब आपको अच्छी रणनीति बन सकती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। कल की वीडियो आप देख सकते हो, चाहे वो JP पावर की हो, किसी भी चीज़ में हो, आपको वो चीज़ें होती हुई दिखाई देती हैं। आज से 17 से 18 दिन पहले, करीब 18 जुलाई को मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी एग्जाइट बैटरी में। तो उस दिन मैंने आपको एग्जाइट बैटरी का मतलब ये समझाया कि क्या ये शेयर आपको सालों भर में कई गुना हो सकता है, क्या बैटरी वाले शेयर जो हैं काफ़ी गुना हो सकते हैं। तो ये एक दृष्टि है कि अगर आपको लगता है कि EV के वाहन ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं, या जो आपके छतों में सोलर लगते हैं उसमें बैटरियां लगती हैं वो ज़्यादा विस्तार कर रही हैं, या आपने कहीं पार्क में देखा होगा वहाँ पर भी आपको बैटरी की चीज़ें, रेलवे में, बस स्टैंड में, हर जगह, ऑफिस में, गवर्नमेंट चीज़ में, या फिर आपको देखने को मिला कि कुछ सरकारी जो भी ऑफिस होते हैं वो अपने में ज़्यादा बदलाव सोलर के क्षेत्र में कर रहे हैं, तो वहाँ बैटरी की चीज़ें होनी है। तो वो रणनीति जो आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूँ कि क्या ये सब कुछ नहीं होगा आगे जाकर, होगा, तो वहाँ पर क्या फ़ायदा किसको होने वाला है। तो मैंने आपको कहा था कि एग्जैक्ट बैटरी, अमराजा बैटरी और लिथियम आयन बैटरी में जो वर्क करेगा उसके ऊपर बहुत विशेषताओं के साथ आपको देखना है। तो ये रणनीति आपके लिए बनाई थी, जो आज आपको करीब 13 से 14 रुपये करीब आपका आज शेयर जो एग्जैक्ट बैटरी बना, क्या ये 15-16 रुपये का उछाल आपको आज से 18-19 दिन के अंदर नहीं मिला? कहाँ इसके अंदर आपको संभावना वो नहीं दिखी कि जो अच्छी चीज़ों के साथ आगे दिख रही है? तो यही मेरा एक माध्यम है कि अगर आपको समझ में चीज़ें आएँ तो वो आपको एक कहानी के द्वारा आएंगी, क्योंकि वो आपके माइंड में बसेंगी। कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत जो चीज़ होती है वो उस व्यापार को बढ़ा देता है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। तो एग्जैक्ट बैटरी पर विशेष तौर पर ध्यान फिर से देंगे और इस नीति के साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पर 252 रुपये के इसके स्टॉप लॉस और ख़रीदारी करने की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। सबसे पहले इन्होंने अपने साल दर साल अपने रेवेन्यू को अच्छा किया, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ाया, जो प्रॉफिट इनका 252 रुपये करीब का आया है, और इन्होंने अपनी सेल को भी साल दर साल बढ़ाकर 4,073 करोड़ रुपए की इन्होंने कर ली, यानी कि बढ़ोतरी इनकी सेल्स में और प्रॉफिट में हुई है। देखो सर, ध्यान रखना कि जब भी किसी का प्रॉफिट आता है और उसकी वजह से शेयर भाग रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो उस प्रॉफिट की वजह से भाग रहा है, क्योंकि कई अच्छे अच्छे प्रॉफिट पहले भी कई कंपनियों में आ चुके हैं। ये आपको समझना है, कच्चे माल में जो चीज़ें में कमी आई है, लागत में कमी आई है, उसकी वजह से इनका यह प्रॉफिट आया। यहाँ पर एक चीज़ दर्शा दी गई है कि जो भी चीज़ें इनको कच्चे माल चाहिए होता है अपनी चीज़ों के लिए, उसके अंदर मूल्य में कमी हुई है और उसके कारण ही इनकी इतनी वृद्धि प्रॉफिट और सेल में हो गई है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन हमारी मंशा क्या है आने वाले सालों के लिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2019 के बाद ये जो शेयर है आज इसने अपने उच्चतम स्तर को छुआ है। 24 अगस्त 2018 को एग्जैक्ट बैटरी का शेयर 303 रुपये का था और आज ये 262 रुपये करीब में मिल रहा है। यहाँ से क्या चीज़ दिख रही है कि ज़रूरी नहीं कि जो शेयर पहले 300 में था आज वो 200 में नहीं आएगा, जो आज 262 में है वो आगे 300 में नहीं जाएगा। एक सर्कल चल रहा है, इसी सर्कल में लोग पैसे कमाते हैं। ये लॉन्ग टर्म तो बहुत लॉन्ग टर्म हो जाता है, फिर उसके अंदर तो फिर एक सर तुक्का भी है कि भाई रखा तो हो गया, लेकिन इसी दौरान अगर जो पैसा कमाता है वो दृष्टि आपको अपने आप खुद ब खुद बनेगी। एग्जैक्ट बैटरी विशेष तौर पर क्यों महत्वपूर्ण लग रहा है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो लिथियम का भंडार मिला है
सरकार ने कहा है कि प्राइवेट कंपनियां भी नीलामी बोल सकती हैं, तो उसके अंदर भी विशेषताओं के तरह मुझे इस तरीके की जो प्राइवेट कंपनियां ये भाग लेती हुई भी नज़र आएंगी, तो ये भी आपको समझ में आने वाली चीज़ें हैं। अभी इनको वित्त वर्ष 2023 में 700 करोड़ रुपए का लिथियम आयन पैक का जो एक ऑर्डर मिला है इसको भी इन्होंने प्राप्त किया है, तो ये एग्जैक्ट बैटरी ने किया है। इनकी एक सहायक कंपनी है, सर ध्यान रखना, जो इनकी सहायक कंपनी है वो पूर्णतया लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में लगी हुई है। वो कौन सी कंपनी है? वो है सर एग्जैक्ट एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। तो ये कंपनी इनकी सहायक है, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एग्जैक्ट बैटरी की है, जिसने कर्नाटक में अपना एकल, भारत का एकल एक ऐसा यूनिट मल्टी गीगावाट की एक फैक्ट्री का निर्माण करने की चीजों को उपस्थित कर दिया। इसका पहले चरण का वाणिज्यिक उत्पादन अगले साल के अंत तक होगा। तो इनकी एक सहायक कंपनी जिसने पहले ही मोर्चा लिथियम आयन सेल के निर्माण में कर दिया है, वो और अच्छे तरीकों से ये चीज़ें करती हैं, एग्जैक्ट बैटरी की वो कंपनी है। तो कर्नाटक में उसने वो काम किया, लेकिन वो शुरू कब होगा? वो सर साल के अंत में वाणिज्यिक उत्पादन उसका शुरू हो जाएगा पहले चरण का। तो यहाँ जितनी भी इस तरीके की बैटरी वाली कंपनियाँ हैं जिसकी विशेषताएँ आपको आगे बहुत अच्छे तरीकों से समझनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ जो वाहन में चीज़ें हो रही हैं, बिक्री हो रही है, उन्हें देखते हुए एक समाधान सा निकलता जा रहा है। सर देखो, सर एग्जैक्ट बैटरी को एक उम्मीद है, वो उम्मीद है लिथियम आयन सेल के उत्पादन में, बिक्री में, एक उन्हें उम्मीद है कि आने वाले सालों में इन्हें ये प्रतिस्पर्धा के मोड़ पर बढ़त दे सकता है, यानी कि दूसरी कंपनियों को टक्कर एग्जैक्ट बैटरी लिथियम आयन सेल के निर्माण करके दे सकते हैं। तो एक बढ़त सी महसूस कंपनी को हो रही है, और इसी के लिए इन्होंने से 8 साल में 6,000 करोड़ रुपए निवेश करने का मन एग्जैक्ट बैटरी ने बनाया है। विशेष तौर पर अगर इसने अपना प्रॉफिट की मंशा जताई है, बढ़िया सेल की मंशा जताई है, ये पॉजिटिव हो सकता है। ये मैंने आपको कहा था कि रिजल्ट के माध्यम सर 1-2 दिन के ही खेल है, लेकिन अंदरूनी चीज़ें आपको आगे तक की देखनी चाहिए, वो है लिथियम आयन सेल में ये एक विशेष तौर पर अपनी भूमिका बढ़ाते जा रहे हैं। FIs DIs अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर जूके तू हैं, और पब्लिक अपनी होल्डिंग को इसके अंदर से कम कर रहे हैं। तो ये वो शेयर हैं जो आने वाले सालों में डबल भी हो जाएंगे, तो ये कुछ औचित्य नहीं होगा कि सर ये क्यों हो गया, पूछने के लिए औचित्य नहीं होगा ये, क्योंकि इनकी विशेषता ही लिथियम आयन सेल में है, और आने वाला ज़माना बैटरी में है या पेट्रोल में है, ये माइंड में अपने डालना हमें पड़ेगा। अब बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री की और आपका ट्राइडेंट की। सर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले कहा था कि अमेरिका में मंदी, यूरोपीय संघ में मंदी के दौर के कारण जिस तरीके से शिपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है इंडिया से, वो भी कम हुई है। जून के डाटा के अनुसार ये चीज़ें देखने को मिली है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है उसमें काफ़ी कमी आई है, और दक्षिण की जो कंपनियाँ हैं उन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता को भी रोक दिया है। तो ये सारा टेक्सटाइल के माध्यम से हुआ है। तो बीते दिनों जितने भी आपको टेक्सटाइल के शेयर गिरते हुए दिखाई दिए हैं वो इसी कारण के नतीजों से है। तो क्या ये जो मांग में डिमांड नहीं बढ़ रही है इसके कारण हमारा देश क्या एक्सपोर्ट में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होनेगा। ध्यान रखना सर, एक्सपोर्ट में जब हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ सरकार की भी एक अहम भूमिका होती है, तो वहाँ सरकार की भी एक भूमिका होती है कि उनके जो राज्य में, यानी कि हर एक राज्य में जो भी चीज़ें किसी भी सेक्टर के लिए चीज़ें हो रही हैं, तो सरकार उसके अंदर इंटरफेयर करे और देखे कि क्या कमी उद्योग में आ रही है। और आज से 1-1.5 साल से आपको कपड़ा में तो बड़ा ही प्रॉब्लम सी आती हुई दिखाई दी है, कोविड के बाद से फिर से ये प्रॉब्लम आ रही है जो मंदी के दौर से आ रही है। मैंने आपको पहले कहा था कि अमेरिका जो यहाँ से अब माल मंगाता था वो भी उसने आधा सा किया है। तो ऐसे तो हम एक्सपोर्ट में नंबर वन नहीं बन सकते कि जहाँ मांग ही खत्म हो रही है और यहाँ के जो भी कपड़ा व्यापारी है वो अपनी उत्पादन क्षमता को कम कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं। ये भी एक सोचने का विषय सरकार के लिए बैठ जाता है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जून के माह में जो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ ना उसके अंदर भी साल दर साल काफ़ी कमी आ गई, यानी 11.3% की एक्सपोर्ट में कमी आई है। क्या फिर ये शेयर आपको अच्छे दिखेंगे? ट्राइडेंट हो गया, लोग इंडस्ट्री हो गया और कोई शेयर होंगे,
नहीं दिखेंगे सर, क्योंकि ज़्यादा जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कोई भी देश करता है वो उन्नति की ओर होता है। जैसे चाइना देखो सर, कितना सब ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करता है ना, तो नंबर वन क्यों बनाया? क्योंकि हम यहाँ से कुछ चीज़ें बनाकर बाहर भेजें तो उसमें ज़्यादा पैसा हमारे पास डॉलरों में भी आता है और अन्य मुद्राओं में भी पैसा इंडिया में आता है, और यहाँ पर भी रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं। अब ये इतनी सारी कहानी मैंने आपको क्यों बता दी? कुछ तो मकसद होगा ना इसका, कि मैं आपको ये कहानियाँ बता रहा हूँ जी, ये माल कम चला गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? ध्यान से सुनना सर, क्या है कि हमारे पास ट्राइडेंट के शेयर, अभी तो मैंने ट्राइडेंट के लिए हैं सर, आपको पता है, और ये 15 रुपये 10 पैसे में अलोक इंडस्ट्री के शेयर भी है मेरे पास, 17 रुपये करीब के भी हैं, तो ये तो हमने लिए हमारे पास हैं, तो तभी तो इच्छा जागती है कि इन शेयरों में अब करना क्या है। लेकिन जब बुरी न्यूज आएगी तो बुरी बताई जाएगी, गुड आएगी तो गुड बताई जाएगी। तो ये तो नहीं कि मेरे पास जो शेयर है मैं अच्छा बता दूँ, उसको बहुत बढ़िया कर दूँ जी आपके लिए, नहीं। आपको अब समझना है कि एक नीति आयोग है सर। अब ये नीति आयोग होता क्या है सर? ये ना थिंक टैंक है सरकार के लिए, ये एक ऐसी चीज है जो घूम घूम कर देखता है कि भाई सरकार को राज्यों से जो व्यापार हो रहा है या कुछ भी चीज़ हो रहा है उससे आपस में कैसे मिलाए, यानी कि सरकार के लिए ही, सरकार की सहायता के लिए काम करता है। सरकार का मकसद यह है कि जो भी उसकी जनता है सुख संपत्ति से रहे और उनको क्या क्या प्रॉब्लमें आ रही है। तो एक नीति आयोग की मीटिंग हो रही है और इसके अंदर नीति आयोग काम कर रहा है सर। ध्यान रखना कि जब इस तरीके की न्यूज, वो भी टेक्सटाइल क्षेत्र में या किसी भी सेक्टर में आ रही है, तो वो उसे उन्नति के लिए आएंगी। ये अभी की न्यूज है, इसलिए आज आपको अलोक इंडस्ट्री में तेजी के संकेत देखने को मिले हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हर एक कंपनियों के लिए जरूरी है। अब नीति आयोग जो है एक समस्या सुन रहा है कि भाई व्यापार क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो उन्हें लगा कि जिस तरीके से टैक्स लगाए जाते हैं टेक्सटाइल में, उसके ऊपर एक समाधान हो रहा है, और जो उसके उद्योग से जुड़े हुए बड़े लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है सर। अब ध्यान रखना कि अगर टेक्सटाइल के क्षेत्र में टैक्स में कुछ सहूलियत दी गई, तो क्या वो सिर्फ ट्राइडेंट के लिए होगी, या वेल स्पून के लिए होगी, या फिर इसके उसके लिए होगी, सबके लिए होगी? हम किसी भी वस्तु पे टैक्स लगाते हैं तो वो उस वस्तु से कोई भी व्यापार कर रहा हो उसको उसमें चीज़ें नज़र आएंगी। तो इसी तरीके से नीति आयोग सुन रहा है किस तरीके से, जैसे मशीनरी मंगाते हैं, आयात शुल्क हो गया, या कामगारों द्वारा जो कपड़ा तैयार किया जाता है उसका शुल्क हो गया, या किसी भी तरीके का जो टेक्सटाइल में शुल्क लगता है जिसकी वजह से टेक्सटाइल के व्यापार करने वाले लोग परेशान है टैक्स से, तो उसके समाधान के लिए एक रूपरेखा नीति आयोग कर रहा है। मैंने आपको बताया ना, नीति आयोग उन समस्याओं को सुनता है, फिर उसकी रूपरेखा तैयार करता है, फिर उसे सरकार के पास भेजता है। तो अगर ये टैक्स वाली चीज नीति आयोग ने जो तैयार कर रहा है, जिसके ऊपर वो बातचीत कर रहा है, अगर ये चीज़ें टैक्स में सहूलियत और अच्छी चीज़ें होगी और मंत्रालय ने इसको पास कर दिया, क्योंकि एक रिपोर्ट जो मंत्रालय यानी टैक्स मंत्रालय के लिए भी चीज़ें बना रहा है, तो उद्योग से जुड़े जो भी चीज़ें टेक्सटाइल में टैक्स के संबंध में आ रही है, जो लोगों ने बताया कि इस टैक्स से प्रॉब्लम है, आयात शुल्क से प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा है, वो ये, तो वो सारी चीज़ें नीति आयोग अब एक तैयारी कर रहा है। और अगर ये तैयारी के साथ मंत्रालय तक ये बात गई और ये पास हो गया ना, तो समझ लेना सर, मैं आपको बताऊं, इसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो यहाँ ये नीति आयोग सर, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, पंजाब के मुख्यमंत्री हो गए, बंगाल के मुख्यमंत्री हो, गुजरात के हो, ये सबसे एक संवाद भी हो जाता है, और वो फिर अपनी प्रॉब्लम जो सरकार को बताते हैं उस चीज़ के लिए नीति आयोग अपनी चीज़ों के लिए अच्छा वर्क कर रहा है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जब न्यूज़ में ऐसे ऐसे वर्ड आ जाएँ कि सर इसका मतलब क्या है, तो आप मेरे से पूछा करो सर इसका मतलब क्या है, ताकि फिर मैं उसको खोजूं, फिर हमारे भी ज्ञान इंद्रियां बढ़ें। तो ये छोटा शब्द नहीं है कि नीति आयोग टैक्स के लिए चीज़ें कर रहा है, वो भी कपड़ा व्यापार के लिए। अगर ये चीज़ें होती हैं तो टेक्सटाइल में भारी आनी है, तो यही तेज़ी आज आपको देखने को मिली है। अब इसके अंदर आपको देखना है कि ये चीज़ें होती कब हैं, और अब मैंने आपको ये भी बताया कि जून का डाटा बहुत कमी के साथ आया है एक्सपोर्ट का, ये भी आपको समझना है। तो हमें ज़्यादा खुश नहीं होना है, ज़्यादा दुखी नहीं होना है, अगर एक एक पहलू हमें पता लगते जाए उस पर हमें वर्क करना है। देखो सर, सबसे पहले अपना प्रॉफिट है, किसी से मत पूछना, मत पूछा करो कि क्या करो, पूछा ये करो कि सर मैं इस शेयर में फंस गया हूँ, इस शेयर में कुछ मुझे दिशा दिखाओ, जो ये मेरा प्रॉफिट है सर इसको मैं कहाँ तक के और आगे ले जाऊँ,
मैं इतना बता सकता हूँ कि आपको कहाँ तक के ये चीज़ों के साथ देखना है, ये नहीं बता सकता कि आपको बुक करना है या खरीदना है, बिल्कुल नहीं बताऊँगा सर। क्योंकि प्रॉफिट अपना होता है, जब हम किसी को कह देते हैं यहाँ प्रॉफिट ले ले, वो ऊपर भाग गया, फिर विश्वास से उठ जाता, तो विश्वास उठने वाले काम मैं नहीं करता। तो अलोक इंडस्ट्री भी चीज़ अच्छी है, क्योंकि वो सेल देखो सर वो कितनी अच्छी कर रहा है, भले वो लॉस कर रहा हो, लेकिन ये टैक्स वाली चीज़ इफेक्ट जरूर डालेगी अगर हमें समझ में आए तो। एक्साइड बैटरी में आपको विशेष तौर पर 252 रुपये का स्टॉप लॉस, और आगे की रणनीति अगर लंबे समय की है तो फिर स्टॉप लॉस की चीज़ों के साथ नहीं है, क्योंकि इनकी मंशा, मैंने आपको लिथियम आयन बैटरी उनकी एक सहायक कंपनी एक्साइड एनर्जी जिस तरीके से अपना एक फैक्ट्री गीगावाट की जो कर्नाटक में स्थापित कर चुका है उसकी चीज़ों के साथ भी बताई है, और ये देखने की दृष्टि बनाई है कि ये अपने को लिथियम आयन में अच्छी सुविधाओं के साथ बहुत आगे तक देखना चाह रहे हैं। प्रॉफिट भी कंपनी कर रही है और सेल्स भी कंपनी अपनी बढ़ा रही है, कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास का मकसद है लिथियम आयन सेल, तो ये आपको समझना है। ट्राइडेंट शेयर हो या वेल्सपून शेयर हो या आपका कोई सा भी टेक्सटाइल का शेयर हो, अलग इंडस्ट्री हो, वो सारे के सारे अगर नीति आयोग ने जो समस्या सुनी है टैक्स के लिए, अगर वो कुछ चीज़ें माफ़ हो जाएं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें होंगी जो बाहरी टेक्सटाइल में लाएंगी, तो इसलिए अंदरूनी चीज़ों को भी हमें समझना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं है, अपनी बुद्धि को ज़्यादा लगाना है, दूसरों की बुद्धि के बारे में बातें सुनना है और उस बुद्धि में अपनी बुद्धि लगाना है कि ये बंदा बोल क्या रहा है, और उसमें अपनी प्रतीक्षाओं के परत खोलनी है। होता क्या है कि जब हमें कोई एक बंदा बता दे कि बहुत बड़ा ना एक खेत है, उसने ये बताया कि बहुत बड़ा एक खेत है, इसके अंदर ना एक ना सोने की अंगूठी मैंने फेंक दी है, लेकिन वो उसी खेत में है, तो अब आपको ढूंढनी है कि वो अंगूठी किस डायरेक्शन में होगी, खेत बहुत बड़ा है, तो अपनी साइकोलॉजी ये लगाइए कि जहाँ जहाँ लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो वो हो सकता है दूसरी जगह होंगी। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।